स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 168 रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए 169 रनों का टारगेट दिया। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने जोस बटलर की धमाकेदार पारी 53 गेंदों में 94 रन की बदौलत 18 ओवर में 171 रन बनाते हुए मुंबई पर शानदार जीत दर्ज की। मुंबई की ओर से लुईस 42 गेंदों पर 60 रन और सूर्य कुमार 31 गेंदों पर 38 रन ने पहले के विकेट 10.4 ओवर में 87 रन जोड़कर आखिरी 10 ओवरों के लिए अच्छा मंच तैयार किया। राजस्थान के गेंदबाजों ने हालांकि बीच में लगाम कसी और 44 रन के अंदर 5 विकेट निकाले। हार्दिक पंड्या 21 गेंदों पर 36 रन के आक्रामक तेवरों से आखिरी 2 ओवरों में 32 रन बने जिससे मुंबई 160 रन के पार पहुंच पाया। बटलर ने 53 गेंदों पर नाबाद 94 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल हैं। उन्होंने लगातार 5वीं बार 50 या इससे अधिक रन की पारी खेली और इस बीच कप्तान अजिंक्य रहाणे 36 गेंदों पर 37 रन के साथ दूसरे विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी की। उन्होंने बाद में संजू सैमसन 14 गेंदों पर 26 के साथ केवल 28 गेंदों पर 61 रन जोड़े। इससे राजस्थान ने 18 ओवर में 3 विकेट पर 171